तो पिछली वीडियो में हमने खादर और भांगर के बारे में बात कर ली थी, इस वीडियो में हम पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस लेसन को आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बनाने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो अगर हम पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें, आगे मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। इनकी जो एलिवेशन है, इनकी जो ऊंचाई है, वो 600 से 900 मीटर तक वेरी करती है। ठीक है, और बात यह है कि ये पेनिनसुला प्लेट्यू जो कि हमारा ओल्डेस्ट लैंडमास है इंडिया का, ठीक है, हिमालय जो लैंडमास है वो नया बना हुआ है, नया मतलब कुछ लाखों साल पहले का, लेकिन कुछ हज़ारों साल पहले का, लेकिन जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है वो हमारा बहुत ज़्यादा पुराना है, लाखों साल पुराना है। ठीक है, और ये पार्ट कितना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इस बात को हम देख लेते हैं। तो ये दिल्ली रिज से स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट में, और ये राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, ठीक है, राजमहल ईस्ट में राजमहल हिल्स तक, फिर वेस्ट में गिर रेंज तक, और फिर साउथ में कार्डमम हिल्स तक। ठीक है, इतना पार्ट हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है। अब इस बात को मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू यानी मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप नहीं भूल पाएंगे। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड में दिल्ली रिज से राजमहल हिल्स तक, ओके, और राजमहल हिल्स से कार्डमल हिल्स तक, फिर कार्डमल हिल्स से गिर रेंज तक, ये पूरा एक पेनिनसुला प्लेट्यू है हमारा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क ऑफ इंडिया। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है। ठीक है, अब इसका अगर हम एलिवेशन की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो हमारी जो वेस्ट साइड है वो ऊंची है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट साइड। इसी की वजह है जो हमारी नदियाँ होती हैं वो ईस्ट की तरफ को बह रही हैं, ज़्यादातर नदियाँ जो हैं ईस्ट की तरफ को बह रही हैं, और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं, और इससे पहले डेल्टा बना रही हैं। ठीक है, डेल्टा जो बना रही हैं मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बना रही हैं, ईस्ट की तरफ को जो बहती हैं। अब सिर्फ दो ही ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ को बहती हैं, अब वो कौन सी रिवर हैं, एन एंड टी, यस, नर्मदा एंड तापी रिवर। ठीक है, देखिए इस प्लेट्यू का जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगेन हम पेनिनसुला प्लेट्यू को तीन पार्ट्स में, तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है डेक्कन प्लेट्यू, फिर सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब इन तीनों को मैं आपको मैप में लोकेशन दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बताने वाला कि इनके बारे में बताने लगूं, पहले मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये लेसन आप बहुत 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 बढ़िया तरीके से समझें। तो देखिए, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये पार्ट रेड कलर में, और इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, और इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारा पार्ट है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और ये जो पार्ट है हमारा ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। ठीक है, और ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हैं, राइट। देखिए, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में लाई करता है, ठीक है, इसके बीच में मौजूद है, और नॉर्थ में ये, इसके नॉर्थ में मैकाल रेंज और महादेव हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ये हायर है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सी रिवर ईस्ट की तरफ को बहती हैं, राइट। और हम डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम सबसे ऊँची पहाड़ी की बात करें तो वो अनायमुडी है, जिसकी हाइट है 2695, एंड इट इज़ फॉलोड बाय द डोडाबेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर ऑन द नीलगिरी हिल्स। देखिए, बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स यहाँ पर ओरिजिन होती हैं वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में। ठीक है, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा कावेरी हो गई, ओके, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से नीलगिरी हिल्स में जाकर मिलते हैं। ठीक है, तो हमने डेक्कन प्लेट्यू का हम कंप्लीट कर लिया है, और अब हम जाते हैं सेंट्रल हाईलैंड की ओर। ओके, दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय अरावली रेंज, एंड नॉर्थ से ये सतपुरा रेंज से गिरे हुए हैं। एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म्ड बाय द राजमहल हिल्स टू द साउथ, और विच लाइज अ लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। दिस रीजन हैज़ अंडरगॉन मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इसका मतलब हम समझते हैं, देखिए ये जो रीजन है ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो। मेटामॉर्फिक प्रोसेस मतलब जब किसी पत्थर पर, इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंटरी रॉक्स पर बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर जब डाला जाता है तो वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, जैसे कि मार्बल हुआ, स्लेट हुआ, जेनेसिस हुआ, एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। सर, ड्यू टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एट दैट टाइम ऑफ द हिमालय ओरिजन,
देखिए, जब हिमालयस का ओरिजिन हुआ तो नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, इंडियन प्लेट के थ्रू जब फोर्स किया जा रहा था उस तरफ को, तो राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में बहुत बड़ा एक फॉल्ट हो गया था, जिसे किसने बना, जो डिप्रेशन हो गया था वो नदियों के द्वारा भरा गया, ठीक है, न्यूमरस रिवर्स के द्वारा ये डिप्रेशन फिल्ड हुआ गया, ठीक है। द मेघालय एंड द कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू स्टैंड डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिनसुला ब्लॉक। देखिए, अगर मेघालय प्लेट्यू की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पर कई मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया और सिलिमेनाइट हो गया, लाइमस्टोन और यूरेनियम हो गया, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं हम इंडियन डेजर्ट की, ओके। तो अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमारा लाई करता है, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, इसका जो नदन पार्ट है वो सिंध की तरफ को थोड़ा सा स्लोप है उसका, और ठीक है, और इसका जो सदर्न पार्ट है वो रण ऑफ कच्छ की तरफ को है, ओके। अब यहाँ पर बारिश तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा लो प्रेसिपिटेशन है और इवेपोरेशन हाई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पानी की कमी और बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है ये, ओके। तो अगर हम कोस्टल प्लेन की बात करें तो हमारे दो कोस्टल प्लेन हैं, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज कोस्टल प्लेन का एग्जांपल है, मतलब सबमर्ज का मतलब जो समुद्र में दब गया था, जो पानी में दबा हुआ है, पानी के अंदर है। बिकॉज ऑफ द सबमर्जन इट इज़ अ नैरो बेल्ट एंड प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। देखिए, इसकी वजह से हमें यहाँ पर नेचुरल पोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कांडला, मजागो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावाशेवा, मरमगाव, मैंगलोर, कोचिन एट्सेट्रा, ये नेचुरल पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि वेस्ट कोस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम वेस्टर्न कोस्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड करें तो ये कच्छ एंड कथीवार कोस्ट इन गुजरात और कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र और गोवन कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवन कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बीच से तो ये बहुत ज़्यादा पतला है, लेकिन जैसे जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ को जा रहा है तो ये ब्रॉड होता जा रहा है, ठीक है। इसके थ्रू जो रिवर्स फ्लो होती हैं वो कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ ब्रॉडर एंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे डेल्टास देखने को मिलते हैं, जो कि रिवर डेल्टास और रिवर्स बनाती हैं, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जाके ये रिवर्स ड्रेन हो जाती हैं। द कॉन्टिनेंटल शेप एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर इन द सी विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट एंड हार्बर। इसी की वजह से यहाँ पर पोर्ट्स नहीं बन सकते। तो देखिए, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक सबमर्ज कोस्टल प्लेन का एग्जाम्पल है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ ब्रॉडर एंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमरजेंट कोस्ट। देखिए, ऐसा माना जाता है कि द्वारका जो शहर था एक, ठीक है, जो कि हमारी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, वो पानी के अंदर दब गया, ठीक। जबकि अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज हियर, यहाँ पर बहुत अच्छे डेल्टाज बने हुए हैं, फॉर्म बाय द रिवर फ्लोइंग ईस्टवर्ड इन टू द बे ऑफ बंगाल। और अगर हम वेस्ट कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहाँ पर हमें पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि कांडला, मजागोन, जेएलएन पोर्ट, नावाशेवा, मरमगाव, मैंगलोर, कोचिन आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट। और यहाँ पर दीज इंक्लूड द डेल्टाज ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो चलिए अब बात करते हैं आइलैंड्स की। तो यहाँ हमें दो जगह आइलैंड देखने को मिलते हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल की साइड और एक अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में हमें 572 आइलैंड देखने को मिलते हैं और अरेबियन सी में हमें 36 आइलैंड देखने को मिलते हैं। तो चलिए अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नॉर्थ में हमारा अंडमान है और साउथ में निकोबार है, और ये वाटर बॉडी के द्वारा सेपरेटेड है, जिसे 10° चैनल कहते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये सबमरीन माउंटेन के, यानी सबमरीन माउंटेन मतलब जो पहाड़ समुद्र के अंदर दब गए, समुद्र के अंदर हैं, वो हैं ये, ठीक है। हाउएवर, फिर भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे कि जो कि एक्टिव हैं, जैसे कि बैरन आइलैंड हुआ हमारा, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड। और यहाँ पर हमें बहुत कोरल डिपोजिट देखने को मिलते हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बीचेस देखने को मिलती हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ इन बीचेस पे। दीज आइलैंड रिसीव कन्वेक्शन रेनफॉल एंड हैव एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन।
देखिए अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय देखने को मिलता है, ठीक है, और दे आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर केरला कोस्ट से, ठीक है, और यहाँ पर हमें ये पूरे आइलैंड में हमें कोरल डिपॉजिट देखने को मिलता है, और यहाँ का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मिनिकॉय आइलैंड है जिसका एरिया 453 स्क्वायर किलोमीटर है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 11 डिग्री चैनल नॉर्थ ऑफ विच इज़ द एमिनी आइलैंड एंड टू द साउथ ऑफ द कैनोर आइलैंड। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है कम्प्लीट, ये लेसन होता है कम्प्लीट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।